खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बिहार में अब बालू शराब और साइबर माफिया की खैर नहीं है, क्योंकि बिहार में माफिया के साथ साथ संगठित अपराध से जुड़े लोगों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। इस संबंध में बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और आज ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज ये विधानसभा में पारित होकर नया कानून बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नया कानून 1981 के लॉ की जगह लेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में पहले से आर्थिक और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन क्राइम की बदलती शैली और परिवर्तन को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लिहाजा यह नया कानून इसी चुनौती से निपटेगा। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बनाए गए इस कानून में ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है और इस नए कानून के तहत दोषियों को 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। नीतीश कैबिनेट ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और इस बिल में भ्रष्टाचार माफिया को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में गैंगस्टर्स और साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की शक्ति को बढ़ाया गया है। अब इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी को तलाशी लेने, सामान जब्त करने की शक्ति दी गई है। और वहीं इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चलिए आपको सुनाती हूं। के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ऑलरेडी पहले से कानून तो सक्षम है ही अपने पास, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? अगर सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो कर नहीं रहे, एकाएक आप कर रहे हैं नया कानून बनाएगा भ्रष्टाचार निवारण के लिए। भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। ऑलरेडी है नया कानून बनाने क्या है, सुगुफाबाजी होगी राजनीति करी, हमने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। जो कानून है उस पर कार्रवाई क्या की है वो बताइए ना। जो एग्जिस्टिंग कानून हमारा है उस पर अब तक क्या क्या कार्रवाई बिहार में हुई? ये भ्रष्टाचार उन्मूलन तो होना ही चाहिए। इस देश से आज़ादी के आज 75 साल आज़ादी को बीते हुए हो गया, उसके बाद भी देश में अपना कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनना ही चाहिए। मैं उसका स्वागत करता हूँ इस तरह के कानून का, क्योंकि राजनीतिक में आप जानते हैं किस तरह से राजनीतिक व्यक्ति को आज के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक व्यक्ति को भ्रष्ट का एक पर्याय माना जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार पर जो कानून बनी है मैं इसका स्वागत करता हूँ। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है, पहले से भी भ्रष्टाचार को लेकर कानून है। क्या उस कानून को इम्प्लीमेंट सरकार ने किया है? नहीं किया है। यदि वो कानून को भी लागू कर दिया गया होता तो जो निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने में मदद होती। और नए कानून ला रहे हैं तो क्या नए कानून में प्रावधान करेंगे कि जो भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं उन पे भी क्या कार्रवाई की जाएगी? ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि किसी दल बदलने वाले जो भी भ्रष्ट लोग होंगे उन पे भी सरकार वही उसी रफ्तार से काम करेगी जिस रफ्तार से विपक्षी लोग पर करवा। कोई भी कानून किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी लाया जाता है, जो विपक्ष बोल रहा है कि चिन्हित करके, तो जनरल है और जो गलत काम करेंगे उनको तो सजा मिलेगी, तो इससे डरने की क्या बात है? अगर आप सही हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी कानून आएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, और आप गलत हैं तो गलत के लोगों के लिए ही कानून बनाया ही जाता है ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो हम समझते हैं जो भी सरकार ला रही है एक अच्छी परंपरा है और एक स्वस्थ राजनीति हो, चाहे स्वस्थ समाज की परिकल्पना होगी। तमाम जानकारी के साथ बिहार विधानसभा से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, अब माफियाओं पर, अपराधियों पर नए रूप में जो शिकंजा कसा जाएगा, वाकई कहा जा सकता है इससे कहीं ना कहीं जो खौफ है वो ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से सरकार कानून ला रही है, पहले कैबिनेट में पास किया गया है और अब जो है कि देखिए बिहार विधानसभा है और इसी में आज इस विधेयक को लाया जाएगा और सरकार जो है वो पास करेगी, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई भी इस तरह का विधेयक आता है तो उसे सदन से पास किया जाता है और सदन से जो है पास कर दिया जाएगा, उसके बाद कानून बनेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है पहले से भी जो महाराष्ट्र है और दूसरे राज्य हैं ऐसे कानून लागू हैं। साइबर क्राइम को लेकर जो है सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो हैं, भ्रष्टाचार को लेकर हैं और इन तमाम कानून को बनाया जा रहा है। पहले जो कानून बने थे उसमें और आज में स्थिति देखा जाए तो पहले कानून जो बने थे वो कानून थे कठोर, उसमें सजा थी लेकिन थोड़े लचीले थे, जिससे कारण कि ये अपराधी जो छूट जाते थे। अभी माफियाओं
को लेकर जो है सरकार लगातार कर रही है कि जो माफिया हैं उन पर लगाम लगाया जाए, गैंगस्टर पर लगाम लगाया जाए, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर इस तरह के कानून बनते हैं और तो कहीं ना कहीं जो है अपराध में कमी आएगी और साफ तौर पर साइबर अपराध है उसमें भी कमी आएगी। और देखा जाए तो 5 साल से 7 साल की इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, यानी कि कोई भी ऐसे अपराध किया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, 5 साल से 7 साल की सजा होगी। तो कहीं ना कहीं अपराध रोकने के लिए जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो है विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि पहले से ही कानून ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन सरकार जो है सजग नहीं रही है, सरकार इस पर कठोर कदम नहीं उठाई है, जिसके कारण जो है अपराधियों को कहीं ना कहीं ढील मिली है, छूट मिली है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग, वो लोग भी तो सरकार में थे। बिहार की राजनीति ऐसी है कि सत्ता पक्ष तो है ही सरकार में, लेकिन जो विपक्ष में रहता है वो भी कुछ दिन सरकार में रहता है। तो साफ तौर पर कानून आने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो अपराधियों पर लगाम लगेगा। जी भूपेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर क्राइम है, हम देख रहे हैं कि अपराधियों ने किस तरीके से नए नए स्वरूप में, कहा जा सकता है कि ये लोग इतने सक्रिय हो गए हैं कि आजकल कोई भी देखिए ठगी का शिकार हो जाता है, दूसरी तरफ दिन दहाड़े चोरी डकैती लूटपाट हत्या की घटनाएं सामने आती है, क्राइम का ग्राफ भी समय के साथ तेजी से बदल रहा है, ये कहें कि नए कानून को लाने की यहां पर जरूरत थी। देखिए नए कानून के लाने की काफ़ी ज़रूरत थी और क्राइम का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए कि पहले में और पिछले 5 सालों की बात देखी जाए तो क्राइम काफ़ी बढ़ा है, भले ही सरकारें ये कहती हैं कि क्राइम नहीं बढ़ा है। कई ऐसे जो क्राइम के मामले हैं, लोगों को धमका दिए जाते हैं, डरा दिए जाते हैं और वो थाने तक नहीं पहुँच पाते हैं लोग। तो अपराध की बात की जाए, लूट है, हत्या है, बलात्कार की जो है घटनाएँ हैं, तो यौन शोषण की घटनाएँ हैं, ये तमाम जो है घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साफ तौर पर सबसे अधिक अगर बिहार में कोई क्राइम और झारखंड में बढ़ा है तो साइबर अपराध का बढ़ा है, और ये जो फलता फूलता है 2-3 शहर ही हैं ऐसे जहां से फल फूल रहा है, जैसे कि बिहार के नालंदा, नवादा और झारखंड के जामताड़ा जैसे जगह है जहां से साइबर अपराधी आराम से जो है लोगों के खाते से पैसे उड़ा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है पुलिस और यहाँ तक कि इसका एक दो आदमी आम आदमी शिकार नहीं हुआ। नया कानून आता है, नए कानून को लाया जाएगा, लेकिन इसी बीच इस पर भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि जमीनी स्तर पर क्या वाकई एक्शन मोड में पुलिस वालों को रहना होगा, किसी तरह की कोई चूक, कोई लापरवाही, कोई भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों से बचना होगा, तभी इस कानून का खौफ अपराधियों में, साइबर ठगों पर बनाया जा सकता है। जी जरूर, पुलिस को भी चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा और सक्रिय रहना पड़ेगा, तभी खौफ जो है साइबर अपराधियों पर या अन्य अपराधियों पर बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और, पुलिस की जहाँ तक बात की जाए तो पुलिस पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है पुलिस को रिश्वत नहीं लेना होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि टोल हो चाहे कहीं नाका लगा है वहाँ पर लिया जाता है, यहाँ तक कि थाने में रिपोर्ट लिखवाए, आज भी स्थिति वही है कि अगर थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसकी अलग जो है पैसे देने पड़ते हैं, कागज़ खुद लाने पड़ते हैं, भले ही सरकार हाईटेक कर दी है कि ईमेल के द्वारा कर लिए, लेकिन व्यवस्था वही है, और कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम लगाना जरूरी होगा। साफ तौर पर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम की शिकार जो है बिहार में IAS IPS अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी जो BPSC से अधिकारी गए हैं, उन लोगों को भी साइबर क्राइम के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ठगा गया है, और इस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब अधिकारी ही ठगे जा रहे हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो इस कानून आने के बाद जो है अगर कानून आता है तो पुलिस और प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त रहना होगा, तभी जो है अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। जी रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वही बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार आज युवाओं को देंगे सौगात, सीएम आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 530 सहायक अभियोजन पदाधिकारी, 20 पुलिस उपाधीक्षक को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, डिप्टी सीएम के साथ अन्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। वही बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीएम आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 530 सहायक अभियोजन पदाधिकारी और साथ ही 20 पुलिस उपाधीक्षक को ये पत्र सौंपा जाएगा। पीएम मोदी 2